हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ परीक्षित यादव, आना है हम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आई हमारे बॉडी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इस वजह से हमारी आई की हेल्थ की केयर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी वजह से आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन के बारे में जो हमारी आईज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो हमारी आई के लिए जो इम्पॉर्टेंट विटामिन है वो है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड विटामिन 12। तो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये जरूर बताना चाहूँगा कि जो भी विटामिन की कमी है उसके लक्षण लोगों में अलग अलग हो सकते हैं, कुछ लोगों में मोस्टली कॉमन होते हैं, और उसका अगर कोई इलाज करना है तो आप डॉक्टर की सलाह से ज़रूर करें। इसमें मैं आपको संक्षेप में जानकारी दे रहा हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आई की विजन के लिए सबसे पहला विटामिन जो है वो है विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है, क्योंकि जो हमारा रेटिना होता है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है उसके लिए विटामिन ए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और रेटिना की काम करने की क्षमता पर अगर विटामिन ए की कमी है तो उस पर बहुत ही असर पड़ता है, जिस कारण से जो पेशेंट होता है उसको रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। अकॉर्डिंग टू WHO हर साल करीब 2.5 से 5 लाख तक के बच्चे विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस का शिकार होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है, 2.5 से 5 लाख के बीच का, इसलिए ये विटामिन ए आई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जो फीडिंग कराती हैं, उनको भी विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिससे उनके बच्चों के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और उन महिलाओं को जिनको विटामिन ए की कमी होती है उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसा मैंने पहले ही बताया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। इसमें होता क्या है कि पेशेंट को जैसे ही शाम होती है उसे दिखना बहुत ही कम हो जाता है। ये विटामिन ए का सबसे बड़ा और मेन लक्षण है। तो इस वजह से विटामिन ए की कमी बॉडी में ना हो, इसके लिए हमें विटामिन ए से भरपूर चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। विटामिन ए हमें पनीर, दूध, दही और अंडे, इन सब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ साथ ही पीले पके फल और हरे पत्तेदार सब्जियां, इन सब में भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जैसे फलों में गाजर, पपीता, आम, शकरकंद, ये फल हो गए जिनमें विटामिन ए काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो जिन हर इंसान को इन सारी चीज़ों का सेवन जरूर करते रहना चाहिए, जिससे उन्हें विटामिन ए की कमी ना होने पाए। तो अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई की कमी से हमारी आँखों में एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अर्ली कटरेक्ट का डेवलप हो जाना, एज रिलेटेड मैकुलर डिजर्नेशन होना। तो ये भी काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं जो हमारी आँखों में होती है। तो हमें विटामिन ए ई वाली भरपूर चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। विटामिन ई हमें नट्स और सीड्स में पाया जाता है, तो इनका अच्छा खासा सेवन हमें करना चाहिए। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन सी। विटामिन सी हमें UV अल्ट्रावाइट रेज से प्रोटेक्शन देता है, साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाता है। इसकी कमी से भी कटरेट, अर्ली कटरेट डेवलप होने के चांस होते हैं, साथ ही एज रिलेटेड आई प्रॉब्लम्स भी जल्दी बढ़ जाती हैं। तो विटामिन सी का भी भरपूर सेवन करें। जैसा कि पता है, विटामिन सी हमें ऑरेंज, ब्रोकली और ब्लैकबेरी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले विटामिन के ऊपर, जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड का मेन काम हमारी आईज़ को जो है नरिशमेंट देना है, लुब्रिकेशन देना है, मॉइस्चराइजर देना है। विटामिन ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी से ड्राइनेस की समस्या बनी रहती है, आँखें बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हैं। आजकल बहुत कॉमन हो गया है कंप्यूटर यूजर्स के लिए, और जो दिन भर मोबाइल कंप्यूटर चलाते हैं, तो ड्राइनेस का बहुत बड़ा इशू हो गया है। तो इस कंडीशन में ओमेगा 3 फैटी एसिड उस ड्राइनेस को ख़त्म करने और कम करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो सोर्स है वो फैटी फिश आती हैं, वो आप खा सकते हैं। साथ ही इसका आपको विटामिन कैप्सूल्स के फॉर्म में भी मिलता है, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह के साथ। लास्ट में एक विटामिन बचता है, विटामिन B12, जो कि डायरेक्टली तो हमारी विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर होता है, वो है विटामिन B12। विटामिन B12 हमारे नर्व फंक्शन, आई के, इन सब में बहुत मददगार होता है। तो अगर विटामिन B12 की कमी हो रही है तो आपके जो आई के नर्व्स हैं उनमें भी डैमेज हो सकता है। तो इस वजह से आप विटामिन B12 की भी चीज़ों का उपयोग ज़रूर करें।
विटामिन 12 का जो सोर्स है वो एग है, मिल्क है, मछली है, तो इन चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। और विटामिन 12 के भी आपको कैप्सूल मिल जाएंगे, इंजेक्शन मिल जाएंगे, उनका भी आप डॉक्टर की सलाह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।